हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग? आशा करूँगा आप सब अच्छे होंगे। गाइस, ये हमारे पास सुखम 650 वाट का इन्वर्टर रिपेयरिंग के लिए आया है। गाइस, जब हम इसके बटन से ऑन करते हैं तब तो चलता है, बट हम इसको जब चार्जिंग सॉकेट पर लगाते हैं तो इस तरह से बीप की साउंड आती है। अभी आपने देखा बीप की साउंड आ रही थी इसके अंदर और जो मेन से वो चालू हो रहा था। तो गाइस, इसका सिंपल ही फंडा ये है, जो मेन जेक होता है उसका जो रेड वाला वायर है वो फूक चुका है। तो आपको ये जो पिन लगी होती है इन्वर्टर में ध्यान रखना है, ये वाली आपको खोल लेना है, ठीक है? और खोलने के बाद यहाँ पर मैं गाइस आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख ही सकते हो, ये पूरी तरह से फूक चुकी है, ठीक है? ये जेक है जो, ये पूरी तरह से फूक चुका है। जो ब्लैक वायर के पास जो रेड वाला वायर है उसका कनेक्शन नहीं मिल रहा है, इसलिए ये बीप का साउंड आ रहा है, ठीक है? और आप देख सकते हो जेक पूरी तरह से फूक चुका है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे इसकी जगह, फर्स्ट में गाइस आपको क्या करना है, जो पिन इसके अंदर लगा हुआ जेक उखड़ के उस पिन के अंदर जो इसका प्लास्टिक है वो चिपक गया है, यहाँ पर आपको उसको फर्स्ट में साफ कर लेना है, ठीक है? अच्छी तरह से आपको साफ करना है, इस तरह से पेशकश की मदद से, या फिर आपके पास कुछ क्लीनर वगैरह हो तो आपको अच्छी तरह से इसको साफ कर लेना है। तो आप वीडियो में देख ही सकते हो, साफ़ करने के बाद जो जेक है उसको भी अच्छी तरह से साफ़ करना है इस तरह से, या फिर आपके पास कटर हो तो इसको बीच में से जो पिन ख़त्म हो चुका है, जो जेक ख़त्म हो चुका है उसका वायर निकाल लेना है, ठीक है? तो आपको इस तरह से बीच में से दो हिस्से कर लेना है जेक के, आप वीडियो में देख सकते हो। गाइस गाइस चेंज तो कोई भी कर सकता है, बस उसी चीज़ को अगर रिपेयरिंग करके सही कर देता ना तो उसी को मैकेनिक कहते हैं, ठीक है? तो आप देख ही सकते हो वीडियो में, इस तरह से आपको जेक को बीच में से गाइस तो इससे कर लेना है, आपको मैं बता देता हूँ इस तरह से। और जो वायर फूक चुका था उसको आपको कट कर लेना है, ठीक है? इस तरह से आप वीडियो में देख ही सकते हो, इस तरह से आपको जो होता है कटर की मदद से आपको कट कर लेना है, आपको मैं दिखा देता हूँ इस तरह से। तो दोस्तों इस तरह से मैंने कट कर लिया है, और जो इसका जो लगा हुआ होता है जेक पे उसको भी आपको कट कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो गाइस, जो रेड वाला वायर है वो फूक चुका था, उसको हमने इस तरह से निकाल लिया है। और जो ब्लेड की मदद से आपको इसको थोड़ा सा निकाल लेना है इस तरह से, ठीक है? साफ कर लेना है थोड़ा सा, इस तरह से साफ कर लेना आपको, क्योंकि बाद में कोई दिक्कत ना आए, अच्छी तरह से साफ कर लेना आपको और कट कर लेना है। और जो जेक है उसको भी सही तरह से साफ करना है आपको। दोस्तों सोल्डरिंग आयरन की मदद से आपको इस तरह से वायर को सोल्डरिंग कर लेना है, जो वायर फूक चुका था उसको आराम से इस तरह से सोल्डरिंग आपको कर लेना है, वायर के अंदर सोल्डरिंग कर लेना है गाइस। ये करने के बाद जो पिन फूक चुका था उसके ऊपर भी सोल्डरिंग करना है आपको, ठीक है? आपको इस तरह से अच्छी तरह से करना है गाइस, जल्दबाजी नहीं करना है आपको। और जो पिन फूक चुका था उसको भी आपको सोल्डरिंग कर लेना है, ठीक है? इस तरह से गाइस ध्यान रहे आपस में कोई भी पिन चिपके नहीं सोल्डरिंग की मदद से, इस तरह से आपको सोल्डरिंग करना है। और यहाँ पर थोड़ा सा इसको पिन को हम कट कर लेंगे कटर की मदद से, क्योंकि इसको हम पिन को लगाएंगे तो जो आपस में वायर है वो नहीं लगेगा, इसलिए आपको कट कर लेना है। तो एक बार हम लगा के एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है? तो एक बार सब भी पिन लगा के आपको भी चेक कर लेना है इस तरह से, क्योंकि जो हम वो वायर लगाएंगे वो आपस में ना मिले, इसलिए हम एक बार चेक करेंगे जेक लगा के वगैरह। थोड़ा सा और कट करेंगे क्योंकि आपस में मिक्स हो रहा है, ठीक है? तो आपको अलग अलग सभी वायर अलग अलग हो, और जो हमने वायर फूक गया था वो आसानी से सोल्डरिंग हो जाए, इस इतनी जगह आपको छोड़नी है। तो आपको जेक इस तरह से निकाल लेना, ठीक है गाइस? तो जेक पूरी तरह से लग गए हैं,
कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो वापिस जैक सब निकालेंगे और जो वायर फूक चुका था रेड वाला मेन वायर उसको हम लगा देंगे, सोल्डरिंग कर लेंगे। तो गाइस जैक आपको आराम से निकालना है, वायर ऊपर से नहीं निकले इस तरह से, क्योंकि इसकी जो पकड़ होती है बहुत मजबूत होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है वायर नहीं निकले, और जो वायर फूक चुका था उसको हम पिन के अंदर सोल्डरिंग कर लेंगे अब, ठीक है। तो मैं इसको सोल्डरिंग कर लेता हूँ फर्स्ट में इस तरह से। जो ब्लैक वायर के पास रेड वाला वायर है वो हुई उसी की प्रॉब्लम से गाइस ये बीप का साउंड वाला प्रॉब्लम आता है ज़्यादातर इन्वर्टर के अंदर। तो मैं इसको सोल्डरिंग कर लेता हूँ, आपको भी इसी तरह से सोल्डरिंग कर लेना है, ठीक है। ध्यान रहे आपस में सोल्डरिंग चिपके ना। और जो जैक है वो मैं वापस लगा लेता हूँ इसके अंदर, और हम चेक भी करेंगे इस इन्वर्टर को कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हुआ नहीं। आपको मैं वोल्टेज भी चेक करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं सही से लगा दिया है मैंने। अब हम लगाएंगे चार्जिंग वाली पिन इन्वर्टर की, और हम चेक आप देख सकते हो वीडियो में पहले इस तरह से आपको करना है सोल्डरिंग, ठीक है। और अब हम करेंगे पिन को लगाएंगे चार्जिंग पे और देखेंगे क्या होता है, सही होता है नहीं। दोस्तों यहाँ पर हमारा जो फॉल्ट है वो क्लियर हो चुका है, चार्जिंग भी हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ इस तरह से आपको भी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हो गाइस। अगर आप गाइस इन्वर्टर मैकेनिक के पास जाते हो तो आपसे 200-300 रुपये ले लेगा। तो इसी वजह से मैंने सोचा क्यों ना यार घर पर प्रॉब्लम सोल्व कर दें, और आपका भी गाइस फ़ायदा हो जाएगा। और गाइस वीडियो को लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और यहाँ पर आपको मल्टीमीटर से दिखा देता हूँ गाइस, ये चार्जिंग भी कर रहा है बैटरी को। तो मैं क्या करता हूँ जो ब्लैक वाली रेड होती है रोड होती है वो ब्लैक में लगा देता हूँ बैटरी के टर्मिनल में, और जो पॉजिटिव है वो मैं पॉजिटिव में लगा के आपको दिखा देता हूँ कि जो इन्वर्टर हमारा चार्ज कर रहा है वो कितने वोल्ट दे रहा है इस बैटरी को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट में लगा देता हूँ ये वाला ब्लैक वाला इसमें, और जो राइट रेड वाला है वो बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट में लगा देता हूँ। आप देख सकते हो 12 वाट दे रहा है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना यार, थैंक यू।